Hey everyone, welcome back to our YouTube channel Team D Official. मैं हूं टी अगोरी। तो गाइस आज का जो वर्सेस होने वाला है दो बड़ी बेहतरीन टीमों के बीच में होने वाला है। एक तरफ होने वाले GWK की टीम होने वाले जिनकी तरफ से शेरलॉक होने वाले, शिवम होने वाले और यहां पे भाई प्रिंस होने वाले एंड टाइटन होने वाले। दूसरी तरफ टीम डी की बात करें लवर हीरो राज एंड मोदी पूरी तरीके से तैयार है। एक प्ले को अच्छा खासा यहाँ पे डैमेज दे देगा। शायद हीरो का थोड़ा सा नेट वगैरह का ग्लिच जरूर चल रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे लेट जरूर पाएंगे, लेकिन देखना होगा इस बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। एक प्ले को अच्छा खासा डैमेज यहां पे जरूर दे दिया गया। मोदी की तरफ से क्या रणनीति रहने वाली है, मोदी किंग फिशर यहां पे चला रहे, बढ़िया एक शॉट जरूर लगाया था लेकिन थोड़ी सी गलती यहां पे जरूर कर दी गई है एंड राज को भी इसी बीच यहां पे डाउन ले लिया गया। एंड स्टार्टिंग के राउंड की अगर बात करें तो यहां पे धावा बोलते हुए मेरे को नजर आ रही है GWK की टीम एंड टाइटन की तरफ से इस राउंड का पहला ब्लड जरूर आ चुका है। अकेले प्लेयर शायद यहां पे लवर यहां पे अकेले बचे हुए थोड़ा दूरी पे होने वाले एंड गाइस अकेले प्लेयर बचे 1v4 का मुकाबला एंड स्टार्टिंग में अच्छी शुरुआत के दम पे शायद यहां पे कुछ कमाल करना जरूर चाहेंगे GWK के कारण शायद यहां पे डाउन ले लिया जाएगा। जी शिव की तरफ से इस राउंड का डबल किल आता है एंड इसी के साथ एक अच्छी शुरुआत यहां पे करते हुए GWK की टीम एंड 1-0 से इस मैच को लीड में लेके जाती हुई। दूसरा राउंड आज का गाइस और दूसरा राउंड में कटोलस्टो में पहुंच चुके हैं। टीम डी की रणनीतियां क्या रहने वाली है, क्या टीम डी वापसी करने वाली है या फिर GWK कुछ दोबारा से यहां पे कमाल करके दिखाने वाले, कोई दोबारा यहां पे कोई पैतरे दिखाने वाले, ये जरूर देखना होगा। एक प्लेयर को शायद यहां पे डैमेज दे दिया गया। हीरो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए शायद यहां पे गलती नहीं करना चाहेंगे क्योंकि सामने की तरफ काफी बेहतरीन टीम होने वाले। शिव को यहां पे डैमेज जरूर मेरे को पड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्काइलर का इस्तेमाल किया गया लेकिन स्काइलर थोड़ा सा यहां पे गलत चला गया एंड 4v4 का गाइस मुकाबला चलता हुआ टीम डी बनाम GWK गाइस मुकाबला होने वाला। मोदी की तरफ से इस राउंड का पहला ब्लड आ चुका है। सामने की तरफ बात करें तो शिव होने वाले एंड टाइटन काफी बेहतरीन प्लेयर अंदर की तरफ जरूर आया लगातार फायरिंग। एक प्लेयर को जरूर यहां पे डाउन लेके जरूर गए हैं एंड देखना होगा ऊपर की तरफ एक प्लेयर होने वाला है, लगातार यहां पे फायरिंग जरूर की जा रही है एंड इसी बीच देखते देखते दो प्लेयर जरूर यहां पे डाउन हो चुके हैं। टाइटन के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी, शिव ने पिछले राउंड में डबल किल किया था अपनी टीम को, एक राउंड की यहां पे बढ़त दिलाई थी लेकिन अब की बात देखना होगा क्या रणनीति यहां पे रहने वाली है। लवर की बात करें ऊपर की तरफ होने वाले और काफी अच्छे से यहां पे मेडल लगाते हुए मेरे को नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक प्लेयर को यहां पे डाउन ले लिया जाएगा। टाइटन अकेले बचते हुए मोदी को डैमेज देने की यहां पे कोशिश जरूर की गई थी लेकिन टीम डी अभी वापसी करना स्टार्ट कर चुके हैं। ईट का जवाब पत्थर से देने की अभी बारी आ चुकी है। एक प्लेयर को बढ़िया पे डैमेज देके डाउन लेके जा चुके हैं लेकिन शायद यहां पे कंफर्म भी करना चाहेंगे लेकिन एक और प्लेयर को यहां पे डाउन लेके जा चुके हैं। क्या वो भाई व्हाट अ हेड, ओनली एंड ओनली रेड नंबर के शॉट यहां पे दो प्लेयरों को यहां पे टाइटन डाउन लेके जा चुके हैं एंड ये बंदा आज मैच को शायद पलट के रखने वाला है। डबल किल इनकी तरफ से आ चुका है एंड गाइस बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ जैसे मैंने बोला था कि डबल किल ये कर चुके हैं। सामने की तरफ हीरो एंड मोदी होने वाले, क्या अपनी टीम को एक पॉइंट की वापसी यहां पे हीरो दिलाने वाले। जी वुकुंग का इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है, थोड़ा सा यहां पे बच के रहना होगा, काफी बेहतरीन प्लेयर होने वाले। जी ने यहां पे ट्रिपल किल शायद यहां पे कंफर्म हो जाएंगे। अकेले प्लेयर मेरे को बचते हुए मोदी नजर आ रहे हैं। 1v4 का मुकाबला था, टीम डी के प्लेयर से काफी बड़ी गलती यहां पे होती हुई मेरे को नजर आ रही है। टाइटन पूरी तरीके से हील करेंगे एंड ये राउंड भी अगर टीम डी की तरफ नहीं आए तो काफी बड़ी मुसीबत यहां पे टीम डी की तरफ होने वाली है। एंड टाइटन जी जोन भी इनका साथ आज देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है एंड मोदी क्या कमाल करने वाले गाइस, बेहतरीन मुकाबला जरूर होने वाला। वुकुंग का इस्तेमाल करने की कोशिश शायद यहां पे की जाए लेकिन सामने की तरफ जो बंदा टाइटन होने वाला, भाई तीन बंदे यहां पे टीम डी का निकाल के यहां पे लेके गया तो थोड़ा सा बच के जी बेहतरीन यहां पे शॉट लगाते हुए ग्लोवाल का इस्तेमाल यहां पे जरूर किया गया लेकिन ज्यादा चांसेस यहां पे नहीं होने वाले। मोदी के पास बढ़िया यहां पे डैमेज देते लेकिन यहां पे टाइटन भाई बेहतरीन मुकाबला दिखाते हुए क्वाड्रा किल करेंगे। 1v4 का मुकाबला अकेला ये प्लेयर निकाल के लेके जाएगा। टीम डी प्लेयर्स की तरफ से काफी बड़ी गलती यहां पे देखने को मिली, जिस तरीके से यहां पे अकेले अकेले प्लेयर वहां पे जाके डाउन हो रहे थे किल के चक्कर में, वो यहां पे थोड़ा सा मेरे को लगा कि जल्दबाजी टीम डी की तरफ से जरूर रही लेकिन एक तोहफे के रूप में एक राउंड GWK की टीम को जरूर मिल चुका है। तीसरा राउंड आ चुका गाइस और तीसरे राउंड में मास लेक्यू में पहुंच चुका है। देखिए जबरदस्त मुकाबला जरूर करता हुआ टीम डी क्या यहां पे वापसी के संकेत देना चाहेगी, ये जरूर देखना होगा। सामने की तरफ बेहतरीन प्लेयर एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन हियर एंड देखना होगा, काफी बेहतरीन टीम जरूर होने वाली है। एक प्लेयर को अच्छा खासा डैमेज एंड लवर की तरफ से डैमेज तो काफी बेहतरीन दिया जा रहा है लेकिन थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि बाकी प्लेयर्स को इनका साथ देना होगा तभी इस मुकाबले में कुछ बेहतरीन यहां पे काम कर सकते हैं। बढ़िया यहां पे शॉट लगाने की कोशिश जरूर, क्रोनो का इस्तेमाल जरूर यहां पे सामने की तरफ से किया जा रहा है। थोड़ा सा बच के यहां पे टीम डी के प्लेयर्स को खेलना होगा क्योंकि काफी बेहतरीन जी जैसा मैंने बोला थोड़ा सा बच के यहां पे जरूर खेलना होगा। शिव यहां पे होने वाले हैं लगातार बेहतरीन यहां पे स्नाइपर जरूर चलाई जा रही है। सामने की तरफ लवर होने वाले एंड गाइस एक बेहतरीन मुकाबले में काफी मजा जरूर आ रहा है। सामने की तरफ यहां पे टाइटन होने वाले हैं, जी यहां पे टाइटन होने वाले तो थोड़ा सा बच के टीम डी बना गाइस GWK का ये मुकाबला चलता हुआ और दोनों ही काफी बेहतरीन टीम होने वाले। बाहर की तरफ शायद अब की बार निकलना पड़ेगा और थोड़ा सा सपोर्ट यहां पे टीम डी के प्लेयर्स को लवर को देना होगा तभी इस मुकाबले में कुछ कमाल कर सकते हैं। एंड बढ़िया यहां पे डैमेज गोड को यहां पे डैमेज जरूर मिल चुका है लेकिन थोड़ा सा बच के यहां पे गोड जरूर रहना चाहेंगे, अच्छा खासा डैमेज और शायद यहां पे लवर
नजरें बनाए हुए जरूर बैठे अंदर की तरफ, जरूर आज का 44 का मुकाबला चलता हुआ बेहतरीन का मुकाबला जरूर होने वाला है एंड शायद यहाँ पे कुछ कमाल कर सकते हैं, मोदी कुछ कमाल कर सकते हैं, अपनी टीम को वापसी करा सकते हैं। लेकिन अगर गलतियां आप करते रहेंगे तो उन गलतियों को कौन सुधारेगा ये भी देखना पड़ेगा। जी लवर को इसी बीच में डाउन ले लिया गया और दो प्लेयर यहाँ पे डाउन हो चुके, बढ़िया यहाँ पे शोर लगाते हैं और शायद अगर ये रिवाइवल संभव होता है तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला टीम डी के हाथों से जा सकता है। जी 2v3 का गाइस मुकाबला हो चुका, मैन टू मैन एडवांटेज टीम डी की तरफ एंड ये राउंड काफी मेरे को लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है काबिले तारीफ जरूर होने वाली है एंड यहाँ पे GWK की टीम जिस तरीके से यहाँ पे मुकाबला दिखा रही है वो काबिले तारीफ जरूर होने वाले। जी राज को इसी बीच यहाँ पे डाउन ले लिया जाएगा लेकिन पीछे से डैमेज आता है, वुकुंग का इस्तेमाल करेंगे हीरो एंड इसी के साथ यहाँ पे डबल किल उठाते हुए। जैसा मैंने बोला था हीरो प्लेयर काफी बेहतरीन होने वाले लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा संभल के खेलना होगा। जिस तरीके की यहाँ पे GW करण की टीम की रणनीति है यहाँ पे दो राउंड की लीड बनाने के पास यहाँ पे आगे बढ़ के नहीं खेले, रश करके नहीं खेले, इंतजार किया जा रहा है कि कब यहाँ पे टीम डी के प्लेयर्स की तरफ से गलती हो तब उसका फायदा उठाए। लेकिन टीम डी के प्लेयर्स अब की बार वापसी करेंगे एंड अपना खाता खोलेंगे 1-2 से। चौथा राउंड आ चुका गाइस और चौथे राउंड में रिवर्स साइड में पहुंच चुके और यहाँ पे दोनों ही टीमों की तरफ से शुरुआत हो चुकी है। शुरुआती पलों में यहाँ पे दो राउंड जरूर निकाल के लेके गए थे GW करण की टीम, लेकिन यहाँ पे टीम डी वापसी करना स्टार्ट कर चुका है एंड हीरो को थोड़ा सा बच के रहना होगा। सामने की तरफ जो प्लेयर होने वाले उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है तो थोड़ा सा बच के। जी ये बढ़िया शॉट यहाँ पे जरूर एक प्ले को लगा चुके एंड शायद यहाँ पे डाउन लेके जा चुके, शायद यहाँ पे रश करने की अभी जरूरत होने वाली है। राज ऊपर से आ चुका एंड क्या कवर देने वाले ये जरूर देखना होगा। बढ़िया यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश, बढ़िया यहाँ पे डैमेज देंगे। जी एक प्ले को शायद यहाँ पे डाउन लेके जा सके एंड हीरो ऊपर से आ चुका है, दो प्लेयर यहाँ पे जरूर देखते देखते डाउन हो चुका है एंड अभी बड़ी जिम्मेदारी जरूर होने वाली है। लेकिन एक प्ले को और यहाँ पे डाउन लेके चले जाएंगे एंड अकेले प्लेयर यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि जी अकेले प्लेयर यहाँ पे प्रिंस बसते हुए नजर आए। 1v4 का मुकाबला एंड टीम डी धावा बोल चुके हैं जिस तरीके से पिछले राउंड में यहाँ पे वापसी की थी एंड इस राउंड में भी 1v4 का यहाँ पे कलश बना चुके हैं। लेकिन अब की बार गलती नहीं करनी होगी, अगर आप गलती करते जी अब की बार एक साथ मिलकर रश करते हुए दिखाई दे रहे जिसका फायदा यहाँ पे जरूर उठाएंगे। राज अपने खाते में स्किल को जोड़ते हुए बैटिंग एज मुकाबले में टीम डी वापसी करते हुए एंड स्कोर बोर्ड को बराबरी पर लाती हुई। पांचवा राउंड आ चुका गाइस और पांचवे राउंड में केप टाउन में पहुंच चुके एंड काफी बेहतरीन मुकाबला जिस तरीके से टाइटन ने स्टार्टिंग में मुकाबला दिखाया था, मेरे को लगा था कि शुरुआती पलों में काफी जबरदस्त मुकाबला दिखाया था और मेरे को लग रहा था कि ये बंदा मैच को इजीली निकाल के लेके जाएगा। लेकिन टीम डी की तरफ से जिस तरीके से यहाँ पे पलटवार किए जा रहे हैं, मोदी काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे, नीचे की तरफ यहाँ पे जरूर एक प्ले होने वाला, टाइटन होने वाले, थोड़ा सा बच के यहाँ पे जरूर रहना होगा एंड इस प्ले से बच के जरूर रहना होगा। सिर्फ ऊपर की तरफ होने वाले ये प्ले कुछ भी यहाँ पे कमाल करके दिखा सकता है तो थोड़ा सा यहाँ पे मोदी को बच के रहना होगा क्योंकि ऊपर की तरफ प्लेयर होने वाले एंड लवर जी नजरें तैनात कर दी गई एंड लुकिंग फॉर द हेडशॉट, यहाँ पे शायद हेडशॉट की तलाश कर रहे होंगे। लेकिन क्या यहाँ पे हेडशॉट मिलने वाला है? जी सामने की तरफ से एक प्लेयर आने वाला, जी बढ़िया डैमेज, जी बढ़िया डैमेज, एक प्लेयर को अच्छा खासा यहाँ पे डैमेज दे दिया गया, मोदी को संकेत यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन सिर्फ भी ऊपर की तरफ होने वाले तो कोई गलती यहाँ पे नहीं करना चाहिए टीम डी, जैसा कि यहाँ पे गलती पिछले स्टार्टिंग के राउंडों में हमें देखने को मिली थी तो वहां पे ऐसी गलती अब की बार नहीं करना चाहिए। बेहतरीन गाइस मुकाबला चलता हुआ एंड लुक एट द पोजीशन गाइस, यहाँ पे पोजीशन देखना होगा एंड इसी बीच यहाँ पे हीरो को जरूर यहाँ पे डाउन ले लेगा लेकिन शायद रिवाइवल यहाँ पे संभव हो जाएगा। एक प्लेयर यहाँ पे जरूर डाउन हो चुका है, दो प्लेयर यहाँ पे 2v2 का गाइस मुकाबला हो चुका है। लवर की तरफ से बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे जरूर मेरे को देखने को मिल रहा था, लवर सॉरी इस बीच में डाउन हो जाएंगे एंड 2v2 के मुकाबले में हीरो को यहाँ पे रिवाइवल संभव हो जाएगा एंड 2v3 का गाइस मुकाबला हो चुका है। टीम डी के पास मौका होने वाला है और एक बेहतरीन गाइस मौका जरूर होने वाला है। इसी बीच यहाँ पे थोड़ा सा मेरा नेट का ऊपर नीचे जरूर हो चुका है लेकिन 2v3 का मुकाबला सामने की तरफ है शिव एंड नीचे आएंगे तो नीचे जोन का खतरा भी होने वाला है तो जल्दी से यहाँ पे कवर जरूर करना होगा। जी डैमेज मिल चुका है और शायद यहाँ पे डाउन भी लेके जा सकते हैं। जी आगे की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हुए स्काइलर का इस्तेमाल किया गया और शायद यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे। जी बिल्कुल डाउन लेके जाएंगे, अकेले प्लेयर बचे थे लेकिन मोदी की तरफ से इस राउंड का ट्रिपल किल आता है। इस मैच में पहली बार टीम डी एक पॉइंट की लीड बनाने में हो चुकी है कामयाब। छठा राउंड आज का गाइस और छठे राउंड में सैंतोसा में पहुंच चुके हैं, दोनों टीमें हो चुकी है तैयार, मैं भी हो चुका हूं तैयार, दोनों टीमें अपने खाते खोल चुके हैं, टीम डी एक पॉइंट की लीड बना चुके हैं और इस मुकाबले में आज कमाल होने वाला है। जिस तरीके से आज मुकाबला चल रहा है राज एक रशर के रूप में आगे काफी तेजी से बढ़ते हुए मेरे को नजर आ रहे हैं। लवर स्नाइपर जरूर इनके पास होने वाले, जी इस स्नाइपर से बच के रहना होगा एंड शिव इसका शिकार बनेंगे। एक प्ले को जरूर यहाँ पे डाउन लेके चले गए हैं एंड हीरो काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं, मोदी एक प्ले को डाउन लेके गए तो कोई गलती यहाँ पे नहीं करना चाहेंगे और शायद ऊपर की तरफ यहाँ पे बढ़ना जरूर चाहेंगे लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट अपनी टीम की तरफ से यहाँ पे मांगते हुए मेरे को जरूर नजर आए। लवर ऊपर की तरफ होने वाले, एक प्ले को देखा डैमेज देने की कोशिश यहाँ पे जरूर की जा रही है लेकिन थोड़ा सा बच के। सामने की तरफ भी यहाँ पे शिव होने वाले जिनको डाउन ले लिया गया था लेकिन नॉकआउट यहाँ पे कन्वर्ट ना हो पाए, किल एंड रिवाइवल संभव हो गया एंड गाइस बेहतरीन मुकाबला जरूर चलता है 4v4 का एंड थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि वेट दोनों टीमों की तरफ से किया जा रहा है, पता है बड़ा मुकाबला होने वाला है, कोई भी टीम कोई गलती नहीं करना चाहती। जी राज काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं, वुड पिकर UMP कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होने वाला है लेकिन जी शायद मोदी को ऊपर की तरफ, जी गाइस बिल्कुल मोदी ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे एंड अभी मौका मेरे को लग रहा है कि टीम डी का पलड़ा यहाँ पे भारी होने वाला है क्योंकि मोदी यहाँ पे हाइट पे पहुंच चुका है, कोई गलती यहाँ पे मोदी नहीं करेंगे। जी एक प्ले को देखा बढ़िया डैमेज दिया, जैसा मैंने बोला था गलती अब की बात थोड़ी सी
जरूर की गई है, लेकिन पीछे से शायद यहाँ पे राज आ जाएंगे और शायद थोड़ा सा कवर की अभी जरूरत होने वाली है, अंदर की तरफ आएंगे। ये गलती काफी बड़ी यहाँ पे टीम डी प्लेयर्स की तरफ से मेरे को देखने को मिली है। दो प्लेयर यहाँ पे देखते देखते डाउन हो चुके हैं, अभी तक रिवाइवल भी संभव हो चुका है। लवर अकेले बचते हुए एंड वापसी का यहाँ पे करना स्टार्ट कर चुके हैं। टाइटन अपनी टीम की जड़ों को मजबूत करते हुए लवर अकेले बचते हुए, लेकिन ज्यादा टाइम मेरे को लग रहा है कि अभी बच नहीं पाएंगे। जी यहाँ पे शॉट लगाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन यहाँ पे शेरलो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए, शेरलो की तरफ से इस राउंड का डबल किल आता हुआ एंड काफी बेहतरीन गाइस मुकाबले में दोबारा से बराबरी कर चुकी है जीडब्ल्यू करंट की टीम। सातवां राउंड आ चुका गाइस और सातवें राउंड में क्लॉक टावर में पहुंच चुके और भाई बेहतरीन दोनों टीमें जरूर होने वाली है, लेकिन गाइस ए स्मॉल मिस्टेक विल प्रूव टू बी ए बिग मिस्टेक। ऐसी ही गलतियां पे टीम डी की तरफ से पिछले राउंड में हुई, मोदी एक प्ले को जरूर यहाँ पे डाउन लेके गए लेकिन ग्लोवाल से अपने आप को कवर ना कर पाए, जिससे एक छोटी सी गलती यहाँ पे काफी बड़ी गलती इनके लिए साबित होती हुई मेरे को जरूर दिखाई दी। लेकिन अब की बार मोदी पूरी तरीके से तैनात एंड लवर की तरफ से इस राउंड का पहला बल्लर आ चुका है। एक प्ले को और यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज देते हुए मेरे को दिखाई दे रहे, लेफ्ट की तरफ भी एक प्लेयर होने वाला है, थोड़ा सा बच के यहाँ पे जरूर खेलना होगा लवर को। सामने की तरफ एक प्लेयर राज काफी अच्छे से यहाँ पे रश करते हुए मेरे को दिखाई दे रहे, लेकिन लवर पीछे की तरफ होने वाले एंड डाउन इजिली यहाँ पे लेके चले जाएंगे एंड अकेले प्लेयर यहाँ पे शायद मेरे को बचते हुए नजर आ रहे। रिवाइवल संभव करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मोदी शायद रिवाइवल जी मोदी को जरूर यहाँ पे डाउन ले लेगा। हीरो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए एंड हीरो क्या कमाल करने वाले, 1v3 का मुकाबला अकेले प्लेयर मेरे को लग रहा है अभी बचे हुए यहाँ पे प्रिंस एंड सामने की तरफ यहाँ पे प्लेयर होने वाला है। कोई गलती अब की बात नहीं करते हुए बढ़िया डैमेज देते हुए एक प्लेयर को जरूर यहाँ पे रिवाइवल संभव हो चुका, लेकिन शायद अंदर की तरफ जाएंगे एंड अंदर की तरफ कुछ कमाल यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लगातार फायरिंग करते हुए जी डाउन लेके जाएंगे। इस प्लेयर का जो रोल होने वाला है काफी अहम रोल होने वाला है, सामने की तरफ एक प्लेयर होने वाला है, बढ़िया डैमेज एंड राज की तरफ से इस राउंड का डबल किल एंड टीम जी दोबारा से अपनी बाजुए यहाँ पे मजबूत करते हुए एंड वापसी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 4-3 अंकित करते हुए। आठवां राउंड आ चुका गाइस और आठवें राउंड में फैक्ट्री में पहुंच चुके टीम डी बनाम जीडब्ल्यू करंट गाइस मुकाबला चलता हुआ। राज को अच्छा खासा डैमेज यहाँ पे जरूर मिल चुका है, हीरो ऊपर जाने की शायद यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। शिव की अगर बात करें तो काफी बेहतरीन स्नाइपर चला रहे हैं बंदे, लेकिन देखना होगा टाइटन की तरफ से क्या रणनीतियां रहने वाले। टीम डी दोबारा से एक पॉइंट की लीड बनाने में कामयाब हो चुके और थोड़ा सा अभी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे जीडब्ल्यू करंट की टीम को थोड़ा सा यहाँ पे संभल के खेलना चाहिए, क्योंकि भाई दुर्घटना से देर भली यहाँ पे अगर दुर्घटना आपके साथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये मैच आपके हाथों से जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा संभल के जरूर इनको खेलना चाहिए, क्योंकि सामने की तरफ जो टीम होने वाली है वो भी काफी बेहतरीन टीम डी होने वाली है एंड काफी बेहतरीन टीम है गाइस। यहाँ पे बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ एंड जीडब्ल्यू करंट की टीम जिस तरीके की कांटे की टक्कर दे रही है काफी बेहतरीन गाइस मुकाबला चल रहा है एंड देखना होगा क्या यहाँ पे कमाल करने वाले जी। शायद यहाँ पे हीलिंग बैटल के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन गाइस मुकाबला काफी जबरदस्त चलता हुआ। मोदी ऊपर की तरफ यहाँ पे जरूर थे, नीचे की तरफ आ चुके। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो लवर नीचे की तरफ होने वाले, हीरो ऊपर की तरफ, सॉरी यहाँ पे हीरो नीचे की तरफ होने वाले एंड राज ऊपर की तरफ होने वाले। हीलिंग बैटल के चांसेस काफी यहाँ पे बनते मेरे को दिखाई दे रहे। टाइटन के पास ज्यादा मौके होने वाले नहीं है, अभी अगर कुछ करना है तो अभी करना होगा। एक एक प्लेयर यहाँ पे दोनों टीमों से डाउन हो चुके। मोदी की तरफ से इस राउंड का पहला खेल आ चुका है, दो प्लेयर देखते देखते यहाँ पे टीम डी के डाउन हो चुके एंड देखना होगा गाइस 2v3 के मुकाबले में क्या कमाल होने वाला है। अंदर की तरफ इन प्लेयर्स को जरूर आना होगा। टाइटन अंदर की तरफ भागते मेरे को दिखाई दे रहे, मोदी जरूर यहाँ पे होने वाले, तो थोड़ा सा बचकर जी बढ़िया, ये बढ़िया रेड नंबर का शॉट यहाँ पे लगाएगा। एक और प्लेयर को यहाँ पे शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन थोड़ा सा बचके मोदी को रहना चाहिए। मोदी की तरफ से यहाँ पे डबल किल आ चुका है, थोड़ा सा बचके जी हील खुद को कर लीजिए एंड 2v2 का मुकाबला एंड शायद एक पॉइंट की लीड और बनाने में कामयाब हो सकते हैं यहाँ पे टीम डी। तो थोड़ा सा यहाँ पे बचके वुकुंग का इस्तेमाल जरूर यहाँ पे किया जा रहा है, शायद इनके पास वोल नहीं होने वाले क्योंकि वोल इन्होंने इस्तेमाल कर दी है हाइट पे चढ़ने के लिए। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि बचके खेलते हुए नजर आए, लेकिन देखना होगा जी। जोन का संकेत यहाँ पे ऊपर की तरफ आ चुका है एंड मौका होने वाला है यहाँ पे जीडब्ल्यू करंट की टीम के पास। एक प्ले को जरूर यहाँ पे डाउन लेके गए, लेकिन ये मैच शायद हीलिंग बैटल पे अभी जाने वाला है। जिस तरीके से मैंने बोला था कि राज के पास यहाँ होने वाली है मैडी, मैडी छोड़ के जा चुके थे और हीलिंग बैटल में कौन सी टीम यहाँ पे कामयाब होने वाली है, जीडब्ल्यू करंट की टीम होने वाली है या फिर टीम डी होने वाली है, ये जरूर देखना होगा। दोनों टीम काफी बेहतरीन, एक तरफ मेरे को लग रहा है कि शायद लोग लगने वाले यहाँ पे हीलिंग बैटल के लिए, तो शायद यहाँ पे कुछ कमाल कर सकते हैं जी। यहाँ पे एक तरफ राजी, दोनों तरफ से यहाँ पे हीलिंग बैटल यहाँ पे शुरू हो चुकी है, बेहतरीन हीलिंग बैटल चलती है और ये भी गाइस गेम का पार्ट होने वाली है। तो देखना होगा कौन सी टीम यहाँ पे कामयाब होने वाली है हीलिंग बैटल में। मेरे को लग रहा है एक प्लेयर जरूर यहाँ पे डाउन, उसका दूसरा प्लेयर भी यहाँ पे डाउन हो जाएगा एंड टीम डी के राज यहाँ पे हीलिंग बैटल में कामयाब होते हुए एंड एक राउंड और अपने खाते में जोड़ते हुए दो पॉइंट की काफी बड़ी लीड के साथ इस मैच में आगे जाते हुए। नौवें राउंड आ चुका गाइस और नौवें राउंड में पोचिनोग में पहुंच चुका। वो कहावत की ब्रेन इज बेटर देन पावर, वो आज कामयाब हो चुका है। वो भाई ये क्या था, ये क्या था, ये था क्या, मुझे ये बता दीजिए भाई, ये बंदा क्या कमाल करके गया, वुड भी करके लगातार क्या जबरदस्त शॉट यहाँ पे हीरो की तरफ से मेरे को देखने को मिला। अकेले प्लेयर 1v4 का मुकाबला, शिव अकेले बचते हुए और अब की बार कोई मौका नहीं होने वाला है एंड हीरो शायद अब की बार एक और शॉट लगाने वाले एंड अनबिलीवेबल शॉट। जो मैंने शॉट देखे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा भाई, ये क्या ही शॉट लगाया इस प्लेयर ने।
देखते ही देखते यहाँ पे सारे जो भी GW के प्लेयर थे सबको डाउन लेके चले गए, अकेले प्लेयर यहाँ पे बचते और अकेले प्लेयर को भी यहाँ पे शायद डाउन लेके कमाल कर सकते हैं। लेकिन जी थोड़ी सी गलती यहाँ पे भारी पड़ सकती है, गलती करेंगे तो गलती का खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। राज यहाँ पे लवर जी यहाँ पे ऊपर की तरफ जरूर आए, बढ़िया स्नाइपर चलाते हुए स्नाइपर शायद यहाँ पे कामयाब भी हो सकती है एंड बढ़िया स्नाइपर शायद ये दूसरा जाने वाला जी मोदी के खाते में किल जाने वाला एंड इसी के साथ यहाँ पे डबल किल मोदी के खाते में जाते हुए एंड गाइस इसी के साथ सुपर 10 लगा चुके हैं एंड टीम डी गाइस पहुंच चुके हैं मैच पॉइंट पे एक बेहतरीन मुकाबला एंड जो हीरो ने करके दिखाया मेरे को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि ये प्लेयर इतना जबरदस्त खेल रहा है भाई, क्या ही वुड पिकर के शॉट लगाए, ओनली एंड ओनली 3-4 के रेड नंबर के शॉट एंड उन्हीं के बलबूतों पर यहाँ पे 6-3 से आगे जाती हुई टीम डी। 10वां राउंड आ चुका गाइस और 10वें राउंड में मेल पे पहुंच चुके हैं टीम डी, अब की बार यहाँ पे गलतियों से सीखती हुई मेरे को नजर आ रही है। सामने इतना प्लेयर होने वाले, बढ़िया डैमेज यहाँ पे जरूर दे दिया गया एंड अब की बार शायद मेरे को लग रहा है कि वापसी का संकेत थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन लवर ऊपर जा चुका है अभी मुमकिन नहीं होने वाला, काफी मुसीबतों में जरूर। जी बढ़िया शॉट, बट भाई क्या ही ये शॉट लगा रहे हैं, अनबिलीवेबल शॉट मोदी की तरफ से। इस राउंड का पहला बल्ल आ चुका है, लवर भी नीचे की तरफ आ चुके हैं एंड एक प्लेयर बढ़िया शॉट यहाँ पे जरूर लगा चुके हैं। सामने तरफ प्लेयर होने वाला, बढ़िया शॉट यहाँ पे लगाने की कोशिश, एक प्लेयर को और यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे, अकेले प्लेयर बचते हुए ज्यादा देर यहाँ पे बच नहीं पाएंगे, लगातार फायरिंग एंड लवर की तरफ से इस राउंड का डबल किल आता हुआ एंड मोदी यहाँ पे 13 किल करके इस मैच में MVP रहेंगे। लेकिन गाइस सारे टीमेट ने काफी अच्छे से यहाँ पे साथ दिया, जैसे कि हीरो ने साथ दिया और यहाँ पे लवर ने क्या ही बेहतरीन स्नाइपर चलाया और ये मैच देखे गाइस मजा आ गया। जिस तरीके से टीम खेली थी टीम डी, एक टाइम पे मेरे को लग रहा था कि बराबरी पे मैच जाने वाला, लेकिन एक साथ यहाँ पे बूस्ट अप होके आई और भाई तहस नहस करके रख दिया यहाँ पे जिस तरीके से खेली थी एंड इसी वजह से यहाँ पे मोदी 13 किल किए, लवर ने 6 किल किए, हीरो ने 5 किल किए और राज ने भाई 5 किल किए। और दूसरी तरफ GW करण की टीम की अगर बात करें तो गाइस काफी बेहतरीन टीम जरूर होने वाली थी। टाइटन ने स्टार्टिंग में घमासान मुकाबला दिखाया, तूफान उठा के रख दिया, MVP रहे अपनी टीम की तरफ से 4 किल, शिव ने किए, शेरलॉक ने 4 किल किए और प्रिंस सिर्फ 2 किल के साथ संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन गाइस 7-3 से ये मुकाबला टीम डी निकाल के लेके गई। तो गाइस आपको मुकाबला कैसा लगा जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर गाइस।